हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे HP LaserJet Pro MFP M226DW प्रिंटर में कैसे वाईफाई ऑन करते हैं और कैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले प्रिंटर की LCD स्क्रीन में सेटिंग आइकन को टैप करेंगे। इसको यहाँ टैप करके डाउन करेंगे इस तरह। उसके बाद नेटवर्क सेटअप पर टैप करेंगे। उसके बाद वायरलेस मेन्यू को टैप करेंगे। उसके बाद टर्न वायरलेस ऑन ऑफ को टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑन पर टैप करेंगे। उसके बाद ये वाईफाई इस तरह से ऑन हो जाएगा। उसके बाद वायरलेस मेन्यू को टैप करेंगे और इस तरह से आप अपने प्रिंटर का वाईफाई चालू कर सकते हो। अब आप अपने PC, लैपटॉप और मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली प्रिंटर को। उसके बाद अगर आप अपने ऑफिस या घर पर जहाँ पे पूरे वाईफाई नेटवर्क से प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए वायरलेस सेटअप विजार्ड को टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका वाईफाई एक्सेस पॉइंट शो हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसको टैप करेंगे और पासवर्ड देकर कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जितने भी नेटवर्क में PC, लैपटॉप और मोबाइल कनेक्ट हैं वो नेटवर्क में प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं कनेक्ट करके। उसके बाद यहाँ वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप को टैप करेंगे पासवर्ड देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पिन को टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ ये प्रिंटर के वाईफाई के पासवर्ड शो कर देगा इस तरह से, जैसे 4743004। इसकी जब ज़रूरत होगी, जब हम डायरेक्ट प्रिंटर से कंप्यूटर या मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद यहाँ यस कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने प्रिंटर से कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो और प्रिंटर को भी अपने कोई भी घर में या ऑफिस में वाईफाई का जो एक्सेस पॉइंट है या नेटवर्क है उसमें कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह की नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।